नमस्कार, मैं हूं शिखा विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं खबरी मध्य प्रदेश। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। सांची में महाबोधि महोत्सव का शुभारंभ। मध्य प्रदेश के विश्व पर्यटन स्थल सांची में शनिवार को 71वें महाबोधि महोत्सव की शुरुआत हो गई है। दो दिनी इस आयोजन में भगवान गौतम बुद्ध के दो परम शिष्यों की अस्थि कलशों को दर्शन के लिए बाहर निकाला गया है। इस आयोजन में श्रीलंका, वियतनाम, थाईलैंड, जापान सहित अन्य देशों से आए बौद्ध अनुयायी भी शामिल हैं। श्रीलंकन महाबोधि सोसाइटी के चीफ बानगल उपतित नायर थेरो भी उत्सव में शामिल होने के लिए श्रीलंका से सांची पहुंचे हैं। शोभा यात्रा के दौरान सांची में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। सुबह सुबह सांची की सड़कों पर ढोलक और बांसुरी की मधुर धुन पर पारंपरिक नृत्य करते हुए कलाकार चल रहे थे। भोपाल में प्रदूषण स्तर अब भी 300 के पार। प्रशासन के तमाम प्रयासों के बावजूद भोपाल शहर में प्रदूषण स्तर में सुधार नहीं हो रहा है। शहर के अलग अलग क्षेत्रों में 300 से अधिक प्रदूषण स्तर दर्ज किया गया है। इसमें सबसे अधिक पर्यावरण परिसर क्षेत्र में 361 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। ऐसी में स्थिति में सुधार होता दिख नहीं रहा है। विशेषज्ञ की माने तो उड़ती धूल के कारण वातावरण सर्वाधिक प्रदूषित हो रहा है, जो कि लोगों की सेहत के लिए ठीक नहीं है। इधर नगर निगम स्वीपिंग मशीन के जरिए सड़कों पर से धूल साफ तो कर रही है, लेकिन इंतजाम शहर की आबादी और क्षेत्रफल दोनों के हिसाब से काफी नहीं है। भोपाल में मतगणना के लिए बढ़ाई जाएंगी टेबलों की संख्या। भोपाल जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा 7 विधानसभा क्षेत्रों में 17 नवंबर को हुए मतदान के बाद 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना के लिए जिला जेल में तैयारियां की जा रही हैं। जिला की 7 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से की जाएगी। आधे घंटे में डाक मतों की गिनती पूरी होने के बाद 8:30 बजे ईवीएम से मतों की गिनती शुरू होगी। अभी तक सभी विधानसभा क्षेत्रों की गणना के लिए 14-14 टेबलें लगाई जानी थी, लेकिन अब इनकी संख्या को बढ़ा दिया गया है। मैरिट में दीक्षा समारोह में विद्यार्थियों को मिलेगी उपाधि। भोपाल मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान मैनेट का 19वां और 20वां दीक्षा समारोह 25 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। इसमें वर्ष 2022 और 23 बैच के पास आउट 31,059 विद्यार्थियों को उपाधि दी जाएगी। दीक्षा समारोह में दोनों बैच को मिलाकर यूजी में 34 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक से सम्मानित भी किया जाएगा। इस दौरान दोनों बैचों के 3,559 विद्यार्थियों को उपाधि दी जाएगी। मैनेट प्रबंधन ने बताया कि यह कार्यक्रम 25 नवंबर को सुबह 9:30 बजे से चालू होगा। एम्स नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल खत्म। भोपाल राजधानी एम्स में ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर और एक नर्सिंग स्टाफ के बीच झगड़े के कारण पैदा हुई तनाव की स्थिति को अब नियंत्रित कर लिया गया है। एम्स प्रबंधन ने इस मामले में दोनों पक्षों की बात सुनी। अस्पताल में प्रोटोकॉल के पालन करने और विवाद की वजह स्पष्ट होने के बाद सुलह करा दी गई है। यहां शिफ्ट वॉइस नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर बैठे थे। नर्सिंग स्टाफ की करीब 16 घंटे तक चली हड़ताल अब खत्म हो गई है। तो ये थी आज की खास खबरें, और जानने के लिए जुड़े रहिए खबरी के साथ, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नजर।